हेलो क्लास नाइन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीजे एजुकेशन, राइट वे टू लर्निंग एंड सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर इज व्हाट इवेपोरेशन। ओके, चलिए। तो हम लोग इन प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि कैसे जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर को अप्लाई करके हम लोग दैट मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर रहे थे, है ना। तो आगे वही चीज लिखा, अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या तो प्रेशर अप्लाई करके या तो टेम्परेचर डिक्रीज करके आप क्या करते हो, कैन लिक्विफाई गैस। तो इस दोनों में अगर बेटर की बात किया जाए तो जो बेटर आपके पास है वो टेम्परेचर है। क्यों? टेम्परेचर इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो टेम्परेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनिमम टेम्परेचर से ही वो क्या हो रहा है, गैसेस में चेंज हो रहा है, डू नॉट क्वालिफाई। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट वो है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि एक सरफेस फेनोमिनन, मतलब सरफेस एक सतह, समझ रहे, उस पर होने वाला एक घटना। तो बेसिकली ये है क्या, तो द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जब आप किसी भी लिक्विड को, है ना, किस में चेंज कर रहे हो, वेपर में, समझ रहे हो, तो उस फेनोमेना को क्या बोल रहे हैं, इवापोरेशन एट एनी टेम्परेचर। लेकिन ये ध्यान देना है कि वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर वाटर की केस में बात किया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो इससे कम होना चाहिए, इससे कम टेम्परेचर पे अगर वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए ना, तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्लियर है? तो आखिर बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, वो हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हो, पहला वो है आपका पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव कॉन्स्टेंटली, वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली। आप देखे थे कि उसके बीच दैट मीन्स जो IMS है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स होता है मूव करते रहता है। तो इस वजह से लीड्स टू कोलिजन, जो टक्कर होने का दैट मीन्स चांसेस है वो लीड करता है, बढ़ते रहता है, ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद क्या हो रहा है, ड्यू टू दैट पार्टिकल्स मूव विद डिफरेंट स्पीड से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, दस दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, जितने भी पार्टिकल्स है सबके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। और वो क्या कर रहा है, एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर में जितना भी आप उसको हीट कर रहे हो, तो बेसिकली वो कैसे चेंज हो रहा है लिक्विड गैस में, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो होता क्या है कि किसी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्टिकल्स का सरफेस पे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। क्या ब्रेक करने का काम करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ब्रेक करने का काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, इसी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दैट लिक्विड पार्टिकल्स लीव द लिक्विड, लिक्विड को वो छोड़ देता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। समझ आया? तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है, आप समझ सकते हो। इवापोरेशन का सीधा मतलब होता है, जैसे आप देखते हो इतने पिछले जितने भी लेक्चर आपको चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में था, उसमें आपने क्या पढ़ा, तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर के स्टेट को अगर चेंज करना है तो या तो आपके पास हीट होना चाहिए, या तो प्रेशर का चेंजिंग, मतलब टेम्परेचर या तो इंक्रीज करो डिक्रीज करो, या तो प्रेशर अप्लाई करो, तभी स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस आ सकते हैं। कैन यू क्विट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, क्या आप दिन प्रतिदिन जो घटनाएँ होती है उससे कुछ एग्जाम्पल आप ये कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है ना, विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए लिक्विड से वाट ये दैट मीन्स गैसेज में चेंज हो रहा, दैट मीन्स वाटर वाटर वेपर में चेंजेस हो रहा, कहने का ये मतलब हुआ। तो आपके पास वाटर है, वेल लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इन टू वेपर, अगर वो अनकवर्ड है तो वो क्या, अगर हीट कर रहे हो तो वो स्लोली धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो बेट क्लोथ्स ड्राई अप, आप नॉर्मली देखते हो जो बेट क्लोथ मतलब गीला कपड़ा है उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में या विंड चलता है तो उसके वजह से क्या होता है, ड्राई अप, वो सूख जाता है। तो आखिर हुआ क्या, वाटर गया कहाँ, सवाल ये उठता है। तो इसी को बताने के लिए ये प्रोसेस आपका इवेपोरेशन है। आप समझ सकते हो, वी नो दैट
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। इसे आप पढ़े कि वो हमेशा क्या होता है, दैट मीन्स मूव करते रहता है, वो कभी भी आराम नहीं करता, रेस्ट में नहीं रहता है, रुका हुआ नहीं रहता है। अब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई गैस लिक्विड और सॉलिड है, वो पार्टिकल डिफरेंट, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होता है। लिक्विड की अगर बात किया जाए तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, सरफेस पे कुछ जो पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, ये इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, उसको वो ब्रेक कर सकता है, और जैसे ब्रेक करेगा वो कन्वर्टेड हो जाएगा किस में, वेपर में। इसी दैट मीन्स दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जैसे आगे देख सकते हो डिफिनेशन वही चीज लिखा गया है, आपका लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में या वेपर में किसी टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ एक चीज़ ये बार बार पूछा जाता है, इवापोरेशन कैसा फेनोमेना, तो ये एक सरफेस फेनोमेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, सरफेस पे से जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करके क्या कर रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके अपना जो स्टेट है वो चेंज कर रहा है और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है, यहाँ देखो इवापोरेशन में आखिर होता क्या है, यहाँ पे इसके बीच क्या है, बॉन्डेशन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, लेकिन जैसे आप इवापोरेशन कर रहे हो तो ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और ये वेपर में चेंज हो रहा है। क्लियर है। चलिए देखिए होता क्या है, जो हाई एनर्जी इवापोरेटिंग है वो तुरंत क्या हुआ, ऊपर उड़ गया, इवापोरेट कर गया। मीडियम एनर्जी कुछ कुछ कर रहा है, जबकि पुल्ड बैक इनटू वाटर, फिर से वो वाटर में आ जा रहा है, फिर जा रहा है, जबकि जो लोअर एनर्जी है वो क्या, फिर से मतलब रिमेंस एज लिक्विड, वो लिक्विड में ही रह रहा है। क्लियर है। इसके लिए एक एक्टिविटी किया जा रहा है कि आप कैसे, आपको ये क्लियर होगा कि वो प्रेशर किन किन बातों पे निर्भर करता है, विच फैक्टर अफेक्ट द इवापोरेशन फेनोमेना या रेट ऑफ इवापोरेशन। कहा जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml का वाटर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml का वाटर लीजिए और उसको फैन के या विंडो के नियर रखिए, विंडो समझ रहे हो, खिड़की। उसके बाद एक ओपन चाइना में 5 ml का वाटर लीजिए, उसको भी रखिए या तो विंडो के पास या तो अंडर अ फैन। फिर ओपन चाइना डिश में 5 ml का वाटर लीजिए, है ना, और उसको आप रखिए कप बोर्ड के अंदर या सेल्फ ऑनर क्लास, क्लास के जो अलमीरा होता है वहाँ पे। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द इवेंट केसेस। 3 cases है, एक आप ओपन चाइना डिश में रखे हो लेकिन वो फैन के अंडर में या विंडो के पास, एक ओपन चाइना डिश में रखे हो लेकिन सेल्फ में या कपबोर्ड में, क्लियर है, और एक जो है वो आप क्या रखे हो, टेस्ट ट्यूब में रखे हो। तो आप रिकॉर्ड करो टाइम और डेज का, कितना टाइम लगा तीनों के इवापोरेशन में, है ना, और इसको बार बार करें, 2-3 बार करें, और इसको फिर रेनी डे पे करें एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू इन्फर, दैट मीन्स क्या डिफरेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, आप देखोगे कि वो प्रेशर कहीं पे फास्ट हो रहा है, कहीं पे स्लो हो रहा है, तो उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी, टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, सरफेस एरिया का इफेक्ट है, वाइंड वेलोसिटी जो हवा का स्पीड हो रहा है उस पर, उसका भी उस पर क्या है, इफेक्ट है। तो वही चीज़ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। नंबर फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ सरफेस एरिया। तो आप जान रहे हो सरफेस एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा। क्लियर है। आप समझ रहे हो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स है वो क्या, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ के पास, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, इसी वजह से इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। दूसरा आपके पास है टेम्परेचर, आप जान रहे हो कि टेम्परेचर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दैट मीन्स रिलीज होता है इवापोरेशन में या ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व होता है, तो ऑब्जर्व जब होता है तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना इवापोरेशन का रेट फास्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो इवापोरेशन कम। क्लियर है। वही चीज़ आगे बतलाया गया है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है,
ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी क्या होता है आप जानते भी हो कि जो एयर में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, दैट मीन्स मॉइस्चर एयर, मतलब एयर में जो आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो कोल्ड जो आपके पास, दैट मीन्स जो आपका विंटर सीजन होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी में क्या है, वाटर वेपर है, जब एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो टेम्परेचर उसका कम होगा, इस वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स रेट ऑफ इवोपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तभी इवोपरेशन इंक्रीज करेगा, क्लियर है या नहीं, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वो है स्पीड ऑफ वाइंड, कि वाइंड के स्पीड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो आप देखते हो स्पीड अगर वाइंड का ज़्यादा है तो मोर विल बी इवोपरेशन, मतलब इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वाइंड, क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप कभी कभी ऐसा देखते हो कि दैट मीन्स सनी डेज नहीं है लेकिन वाइंड के स्पीड से आपका जो क्लोथ्स है, वेट क्लोथ्स है, वो ड्राई होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो कि इवोपरेशन फास्ट हो जाता है अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है, यही चीज़ बोला जा रहा है, विंडेड ए क्लोथ गेट डायड फास्टर देन इन नॉर्मल डे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है वो है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर, लिक्विड के नेचर कहने का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, मतलब कम ही टेम्परेचर पर अगर वो बॉयल कर जा रहा है तो क्लियरली है कि उसका टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए, मतलब इवोपरेट हो जाए, मतलब क्या हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहा जा रहा है, रेट ऑफ इवोपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है इवोपरेशन उतना ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट को आप ऐसे समझो कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या कि जिस टेम्परेचर पे कोई जो आपका लिक्विड है वो स्टार्टेड टू बॉयल या चेंजेज इन टू वेपर, तो हो क्या रहा है कि जितना कम टेम्परेचर पर वो बॉयल कर रहा है इसका मतलब उसका टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट जितना कम ये रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ज़्यादा। इसका एग्जांपल भी आप देखते हो डेली टू डेली लाइफ में कि ऐसा होता इसलिए है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है IMF वो लेस होता है लिक्विड में विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको उसको ब्रेक करना भी ईजी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, आप देखते हो इवोपरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग, आप कैसे समझोगे इसको, तो आप ऐसे समझो लिक्विड पार्टिकल जो भी आपके पास है उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है सरफेस पे, आपने देखा तो वो क्या करता है, लीव द सरफेस, सरफेस को छोड़ता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, सरफेस को छोड़ के ही तो वो वाटर वेपर में, देखो ऐसे ऐसे देखे थे ना ऊपर जा रहा था, चेंज करता है, तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का वो डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर क्या कर रहा है, फॉल्स डाउन, क्लियर है। दस इस वजह से क्या हो रहा है, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या हो रहा है जब वो सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो अदर लिक्विड पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर फॉल्स हो रहा है, टेम्परेचर फॉल्स हो रहा है इसलिए वो कूलिंग कॉज करता है, क्लियर है या नहीं, ठंडक। चलिए आगे आप देख सकते हो कैसे करता है ये चीज़, तो जब लिक्विड आपका इवोपरेट्स करता है तो जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का वो ऑब्जर्व हीट फ्रॉम अ सराउंडिंग, ऑब्जर्वेशन हम बताए भी थे, क्योंकि ये क्या होता है एंडोथर्मिक एंड इवोपरेट्स, तो सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, सराउंडिंग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जैसे आप देखते हो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, रूफ पे कोई कोई जो क्या करते हैं कि वाटर कलेक्ट करने का काम करते हैं ओपन ग्राउंड, क्यों, क्योंकि इवोपरेशन जब होगा तो वाटर ऑब्जर्व होगा तो वो हॉट सरफेस को कूल करने का काम करेगा, या आप देखते हो कि ड्यूरिंग समर, समर डेज में भी स्वीट जो हम लोग का पसीना होता है मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन द स्वीट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, जितना ज़्यादा पसीना चल रहा है उतना आपका बॉडी क्या होगा, कूल होगा। चलिए बेयरिंग कॉटन क्लॉथ, इसका क्या रीज़न है कि आप समर के दिनों में, समर डेज में कॉटन क्लॉथ्स मतलब सूती के वस्त्र पहनते हो, यही रीज़न है कि वो आपको कूल रखता है, कूल क्यों रखता है, क्योंकि कॉटन जो आपका क्लोथ्स होता है उसका ये प्रॉपर्टीज होता है कि वो स्वीट मतलब पसीना को ऑब्जर्व कर लेता है, और जब स्वीट इवोपरेट्स करता है तो इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम आवर बॉडी, अब उसी वजह से बॉडी को क्या करता है, वो कूल करने का काम करता है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखलाया गया है, नंबर फर्स्ट है आपके पास द स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर, पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑफ ऑन पाम, अब देखिए हो जो नेल पॉलिश होता है जो लेडीज लोग यूज़ करती है तो वो भी जब पॉम पे लगाती है तो क्या होता है, वो
एसीटोन होता है उसमें, तो वो कूलिंग दैट मीन्स फील करवाता है। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स इन कॉटन क्लोथ्स इन समर, या पढ़ी लिए। उसके बाद परस्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कोल्ड। वाई इज आइस रैप्ड ऑन अ वन पार्ट ऑफ अ स्किन, देखते हो जला हुआ पार्ट पे बोला जाता है कि जो दैट मीन्स आपके पास बर्फ का टुकड़ा है उसको रफ करे, रगड़े, तो आपको दैट मीन्स एक तरह से अच्छा फील होगा, है ना। वाई सर्जन्स ऑफ्टन स्प्रे सम आइदर ऑन अ स्किन बिफोर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी, छोटा से छोटा सर्जरी भी करना होता है डॉक्टर्स लोगों को, सर्जन लोगों को, तो वो क्या करता है स्प्रे मारता है उसके स्किन पे, इसलिए ताकि वो कूलिंग इफेक्ट कॉज कर सके, एवोपरेशन होता है उसके अंदर। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्म एयर है ना, वाटर देखो एवोपरेट कर रहा है 18-25 डिग्री पे। कूलर आप देखते हो ये किस लिए लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है। कूलर देखे हो, कूलर में ये जो लगा हुआ रहता है इसलिए लगाया जाता है। यहाँ से बैटरी जैसे देख सकते हो डिजर्ट कूलर में इस ढंग का ये होता है, क्लियर। यहाँ देखिए वाटर टैंक है, ये आपका फिल्टर है, यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है। वाई हाँ दो क्वेश्चन आप इसको देखोगे अच्छे से, एनसीईआरटी का है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर आप रखते हो तो आप देखोगे उसके बाहर जो है ना वो सी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ कुछ बूंदे जो है वो आपको दिखने को मिलेगी, ऐसा होता क्या है, समझते हैं इसको अच्छे से। कहा जा रहा लेटेस्ट टेक आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, एक टम्बलर में हम लोग कुछ आइस कोल्ड वाटर को लेते हैं, और सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर, आप कुछ ही देर में देखोगे कि जो टम्बलर है उसके जो बाहर का सरफेस है वहाँ पे सी वाटर का ड्रॉपलेट्स मतलब बर्फ एक तरह से पानी की कुछ बूंदें जो है वो दिखने को मिलेगा। तो ऐसा होता क्या है, तो डट एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो एयर आपका वाटर वेपर में प्रजेंट, जो एयर कहाँ प्रजेंट है वाटर वेपर में प्रजेंट है, जो एयर कुछ जो जिस मतलब जो वापर ये जो वाटर वेपर किस में प्रजेंट है एयर में, वो क्या हो रहा है ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो ग्लास में जो आप वाटर रखे हो वो कोल्ड है तो उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो एनर्जी को लॉस कर देता है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है मतलब एनर्जी डिक्रीज एंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट, समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अरे देखो हो क्या रहा है, जब आप देखते हो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट वो जब कांटेक्ट करता है उसके वाटर के साथ उसको क्या करता है एनर्जी को डिक्रीज करता है, लॉसेज एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, क्लियर है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। दूसरा आपका वेरी इंपॉर्टेंट कि समर डेज में आप कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो वही चीज़ कि बी प्रेसिप्राइ मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी विच कीप्स अस कूल, वो हमें ठंडा रखे इसीलिए। वी नो दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करता है या बॉडी सरफेस है एंड चेंजेज इनटू वेपर, वेपर में चेंज करता है, तो हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, क्लियर है। जो आपका हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यही वजह है कि क्या करता है बॉडी से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और लिविंग द बॉडी कूल, और क्या करता है बॉडी को कूल करता है, क्लियर है। कॉटन चूंकि बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट, जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो क्या होता है गुड ऑब्जर्वर, मतलब वाटर को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है जो स्वीट पसीना होता है और इसको एक्सपोज कर देता है एटमोसफेयर में, और ये इजी से इवेपोरेशन हो जाता है, क्लियर है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, दैट्स ऑल अबाउट द इवेपोरेशन प्रोसेस। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास के,